हेलो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। नमस्ते, मैं सुरेश स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो फ्रेंड्स, आज हम ये एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की लव रीडिंग करेंगे, जो 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक एक साप्ताहिक यानी वीकली रीडिंग होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ये सबके साथ मैच नहीं करती, तो जिसके साथ जितना मैच कर रही है प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़िए। तो इसमें हम देखेंगे कि आप एक दूसरे के लिए क्या चाह रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और इसका आउटकम क्या रहने वाला है। तो यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज़, कि एक्वेरियस आप एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, वो क्या चाहते हैं और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है। तो एक्वेरियस आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं, वो आपसे क्या चाह रहे हैं, और आप अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग रखते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं और इसका आउटकम क्या रहने वाला है। एक्वेरियस आपके पर्सन काफी दुखी दिख रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, वो आप के लिए फील कर रहे हैं कि आप काफ़ी तनाव में हैं, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी टेंस हैं। तो लेकिन वो सोचते हैं कि ये इतनी बड़ी परेशानी, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है जितना आप अपने आप को दिखा रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि अगर आप ऐसे ही दिखाते रहे, ऐसे ही करते रहे, तो आप अपने प्यार को, अपने मोहब्बत को खो बैठेंगे, इसमें दूरियां बना सकते हैं और एक सोमेनिया जैसी आप बीमारी को भी न्योता दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप कंफ्यूज्ड रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो प्यार मोहब्बत को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। तो इससे बाहर निकलने की आप को इसके बारे में सोचना चाहिए, आप सोच सकते हैं। ऐसा आप के पार्टनर आपके लिए फील कर रहे हैं कि आप इससे, जो आपने ये अपनी नींद हराम कर रखी है, जो परेशानियां बढ़ा रखी हैं, जो दूरियां बढ़ा रखी हैं, आप उससे बाहर निकले, ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, ऐसा वो आपसे के बारे में सोच रहे हैं। तो आप के पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, जो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि जो उनके साथ आप मेंटली गेम खेल रहे हैं, जो उस गेम से को आप छोड़ें, उससे बाहर निकलें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ परेशानी देने वाला है, दुख देने वाला है, इससे कुछ हासिल नहीं हो सकता। वो चाह रहे हैं कि इसमें जो आपने इस प्यार को, इस मोहब्बत को एक गेम बना कर रखा है, एक इसमें दूरियां बना कर रखी हैं, जिसको आपने एक मजाक समझ लिया है, उससे आप बाहर निकलें। तो वो चाह रहे हैं कि जो भी इसमें रहस्य है, जो भी कोई बात है, जो जो आप इसमें गेम खेल रहे हैं, जो जो आप इसमें धोखा दे रहे हैं, जो छल कपट कर रहे हैं, जो आप इसमें दिखावा कर रहे हैं, और उस सबसे वो चाह रहे हैं कि इस सब से बाहर निकलें और तभी इस रिश्ते के बारे में सोचें, जो और जो आप ये दिखा रहे हैं कि मैं काफ़ी परेशान हूँ, काफ़ी दुखी हूँ, काफ़ी तनाव में हूँ। आपका प्यार, आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप ये इससे बाहर निकलें, तभी आप इस रिश्ते के बारे में आगे सोचें, आगे बढ़ाने के बारे में कोशिश करें। तो और द चैरियट, आप ये एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आप क्या चाह रहे हैं, आप आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, सॉरी गाइस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। आप फील कर रहे हैं कि वो आप काफ़ी हिम्मत वाले हैं, काफ़ी साहसी हैं, काफ़ी बहादुर हैं, आप हर चीज़ को जानते हैं, जो भी आप डिसीजन लेते हैं आप उसको पूरा करते हैं। तो आप आर पार की लड़ाई करते हैं, अगर आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसमें समझौता कीजिए,
आपको समझौते की ज़रूरत है, आर पार की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अगर आप इस रिश्ते को अगर इसी तरह आप माइंड गेम खेलते रहे, दूरियां बनाते रहे, डिप्रेशन बनाते रहे, तो इसमें इससे अच्छा है कि आप इसमें इस रिश्ते को सेपरेशन इसमें वो चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि मतलब ऐसे रिश्ते से तो सेपरेशन अच्छा है, या अगर वो रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, जो जो दूरियां हैं जो उसको अगर वो दूर करना चाह रहे हैं, तो उसमें एकदम आर पार उसको करें, एक एक नया नाम दें इसको, दूरियों को ख़त्म करें, ऐसा भी वो चाह रहे हैं कि मतलब एक तरफा इस रिश्ते को करें, इसको घेर करना बिठाएं, माइंड गेम इसमें खेलना छोड़ें, और चाहे इसमें सेपरेशन है या कॉन्सिलेशन है उसको एक तरफा करें। आर पार की आप इसमें लड़ाई लड़ना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि इस रिश्ते को आप एक तरफा करना चाह रहे हैं, इसमें घिरे रहना आप नहीं चाहते, और जो भी होगा वो ठीक होगा। द वर्ल्ड, तो यहाँ आप चाह रहे हैं कि इसमें जो दूरियां हैं, जो सेपरेशन है, जो इसमें एक रिकॉन्सिलेशन किया जाए, या इस रिश्ते को बिल्कुल ही ख़त्म किया जाए, एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग की जाए, इस चैप्टर को यहीं ख़त्म किया जाए, और आप चाह रहे हैं कि जो सेपरेशन है, जो दूरियां हैं, जो माइंड गेम खेले जा रहे हैं, उन सब से बाहर निकलकर आप एक इसमें चाह रहे हैं कि इसको नए सिरे से इसमें एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत की जाए। आप चाह रहे हैं कि घूमें फिरें, मौज मस्ती करें, डेट्स पर जाएं, ऐसा भी आप इसमें चाह रहे हैं कि जो जो तनाव है, जो मजाक है, या जो दूरियां हैं, जो सेपरेशन है, उसको एक मौका और दें, एक नई बिगनिंग करें, नई शुरुआत करें, एक नया चैप्टर, नया अध्याय इसमें शुरू हो, तो आप इसके लिए ये भी चाह रहे हैं। तो अगर आप फिर हम इसमें आगे देखते हैं कि इसका आउटकम क्या रहने वाला है। अगर आप किसी बड़े बुजुर्ग से, या काफ़ी जो दूरियां हो गई थी, जो उन दूरियों को अगर आप ख़त्म करते हैं किसी बड़े बुजुर्ग की, किसी मेंटोर की, किसी समझदार आदमी की, अगर आप सलाह लेकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है और काफ़ी प्यार मोहब्बत वाला भी हो सकता है। इन दूरियों को आप इसमें ख़त्म कर सकते हैं। तो इसका आउटकम, अगर आप इसमें अच्छे से मिल बाँट कर समझौता करते हैं, एक नया चैप्टर, नया अध्याय लिखते हैं, घूमते फिरते हैं, और एक रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, तो किसी बड़े बुजुर्ग की, किसी मेंटोर की सलाह लेने की इसमें आपको ज़रूरत है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, क्योंकि ये एक नया चैनल है, मुझे आपके प्यार की, सपोर्ट्स की, आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। तो आप मेरे साथ इसी तरह से प्यार मोहब्बत के साथ और आशीर्वाद के साथ मिलते रहिए, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।